विधानसभा चुनाव में और उसके पश्चात पार्षद नगर निकाय के चुनाव में अपना भाग्य आजमाने वाले योगेश चतुर्वेदी बल्लू, जिनको वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने अपने एक नई जिम्मेदारी देते हुए इनको जिलाध्यक्ष सांकृतिक प्रकोष्ठ बनाया है, जिसके लिए इनके आगे इनके पास काफ़ी जिम्मेदारी हैं और करने के लिए बहुत कुछ है। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की इनके आगे का क्या प्रतिक्रिया रहेगी और किस तरह से अपना ये उसमें मजबूती देंगे। जी योगेश जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ इस जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री अखिलेश यादव जी का, प्रदेश अध्यक्ष नरोत्तम पटेल जी का और सोलंकी जी का, हमारे जिले के ठाकुर अजीत सिंह जी और जो हमारे संजय रावत जी, इन सबका मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इन सबों ने मुझे विश्वास किया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और मेरा शुरू से ही मोटिव रहा है मथुरा में, जब मैं आया था कोरोना टाइम पे, तब मैंने देखा इस मथुरा की हालत कि ये मथुरा कितनी पीछे चल रही है हमारे बाकी शहरों से, जबकि इसमें बहुत कुछ होना चाहिए लेकिन कुछ भी नहीं है। चाहे वो सफाई की बात करो या बिजली की बात करो या कोई भी व्यवस्था की बात करो, कोई व्यवस्था ढंग की नहीं है। तो उसी मोटिव से मैं मथुरा रुका था। मैंने मथुरा के मुद्दों को उठाने के लिए विधानसभा का पर्चा भरा था, किन्हीं कारणों से मेरा पर्चा निरस्त हो गया, तो मैंने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया था। तभी से मतलब देवेंद्र अग्रवाल जी से चुनाव लड़े थे, फिर मैंने यहाँ भी पार्षदी का चुनाव लड़ा। पार्षदी के चुनाव में भी मुझे पूरे जनता का सपोर्ट मिला, चाहे मेरा जल्लूस देख लो आप जमुना पूजा का या कुछ देख लो, बाढ़ का हर व्यक्ति, वरिष्ठ युवा, हर वर्ग का आदमी मेरे साथ में था। क्यों? क्योंकि मैं हर व्यक्ति के साथ हूँ, चाहे वो कोई भी समाज का हो, कोई भी जगह का हो, कोई भी मोहल्ले का हो, हर एक समाज की बात आती है, किसी भी समाज की तो मैं सबसे आगे आता हूँ, कोई भी समस्या आती है सबसे आगे आता हूँ। आज देखो बंदरों की समस्या है, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर, चाहे वो पानी, अभी देखो 2 मिनट आधे घंटे के लिए 10 मिनट के लिए बारिश हुई थी और मेन तीर्थ स्थल का एरिया है ये विश्राम घाट का, और यहाँ पर पानी भर जाता है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है। मतलब हम बचपन से पैदा हुए तब से देखते आ रहे हैं, सारी पार्टियों के पार्षद, विधायक, सांसद सब बदल चुके हैं, लेकिन कोई नहीं सोचता है। आज आप जो घाट देख रहे हो, इन घाटों को बनाने वाला कोई नहीं था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी अब मुख्यमंत्री थे तभी ये घाट उन्हीं की देन है, ये बने हुए हैं। आज चाहे एक्सप्रेस वे हो, मतलब बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ते थे, बच्चों की पढ़ाई नहीं कराई जाती थी लेडी, मतलब लड़कियों की, छात्राओं की, उसके लिए अखिलेश यादव जी ने उनको प्रोत्साहित करने के लिए 20,000 रुपये वो देते थे पास होने के लिए, कि ताकि वो बच्चियाँ आगे बढ़ सकें, पढ़े नहीं तो उनकी शादी में काम आ सके, ऐसी सोच। लेकिन आप देखो ना कोई घोटाला होता है ना कुछ होता है इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन अभी तक कोई काम भी बता दो ऐसा हुआ हो। आज कम से कम 29 से 30 बार मुख्यमंत्री जी मथुरा आ चुके हैं, मथुरा में उनका कार्यालय तक खुल चुका है, लेकिन विश्राम घाट तक आज तक पूजा करने नहीं आए। कौन जिम्मेदार है? ना सांसद बोलता है, ना विधायक बोलता है, ना पार्षद बोलता है, ना मेयर बोलता है, कोई आमंत्रण करता है या करनी करता है, किस वजह से नहीं आ पा रहे हैं? आप विश्राम घाट पर पूजा नहीं करोगे तो कैसे पता पड़ेगा कि इतना बड़ा तीर्थ स्थल तुमने घोषित नहीं किया? कि या किसी समाज के साथ ये षड्यंत्र है या कोई चाल है, इसके बारे में कौन बताएगा? तो मैं उन्हीं सब के लिए, समाज की सेवा के लिए, समाज की आवाज़ उठाने के लिए मैं हमेशा मथुरा की जनता के साथ, मथुरा के साथ मैं हमेशा खड़ा हुआ हूँ। और इसीलिए आज मुझे जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ इसलिए है, क्योंकि मैं कलाकार हूँ, तो इसलिए इससे मिला है। मैं अपनी पूरी टीम का गठन कर रहा हूँ, जिले की का महासचिव बनाए गए हैं और हमारे उपाध्यक्ष वगैरह सब बनाए जा रहे हैं, तो मैं इसीलिए धन्यवाद भी देता हूँ वापस। लेकिन साथ में जनता से कहता हूँ, आप जातिगत ना सोचें, ना ही आप समा पार्टी का सोचें। जो भी व्यक्ति, चाहे कोई पार्टी का होगा या कोई कुछ का होगा, मेरे पास आके जुड़ेगा, मुझसे कोई सहायता मांगेगा या मुझे कहीं बुलाएगा, मैं हर जगह उसके साथ हूँ, क्योंकि मैं जनता का व्यक्ति हूँ। आगे के लिए मथुरा के लिए आपके क्या विचार रहेंगे? जैसे आप सांस्कृतिक प्रकोष्ठ मार रहे हैं और ये धर्मनगरी है मथुरा, इसके सांस्कृतिक क्रियाकलापों के में आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी दी गई है? देखो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, बस एक गाना कन्हैया मित्तल ने गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और उस गाने से घर घर तक मैसेज गया था लोगों को, मतलब किसी को बात कहने के लिए। तो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ बहुत बड़ा अपना मायने रखता है हर पार्टी में। तो ऐसे ही मेरे अपने गीत के माध्यम से अपनी पार्टी को मजबूत करूँगा, और जो विपक्ष में जो कमियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, उनको दिखाऊँगा कि क्या चीज़ें हैं। क्योंकि जनता धर्म में खाली हिंदू मुस्लिम यही सब चीज़ों में बटी हुई है, ना कोई महंगाई देख रहा है, ना कोई सफाई देख रहा है, ना कोई सुरक्षा देख रहा है, ना कोई व्यवस्था देख रहा है। चाहे मणिपुर में कोई कांड हो जाए तो सब शांत बैठा है पूरा देश, इतनी बड़ी आप चांद पर पहुंच रहे हो, आज कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे पानी भर जाता है, आज ट्रेन में हादसा हो जाता है, अभी आप देख लो विवाद में हलवा हो रहा है, अब चुनाव आ रहे हैं, कुछ ना कुछ दंगे फसाद चलते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें जनता को सोचनी होगी, समझनी होगी। और मैं फिर कहता हूँ, परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन करने से ही तरक्की होती है, विकास होता है। आप एक ही एक को कंटिन्यू दोगे तो उनको घमंड हो जाता है, घमंड हुआ था उसी वजह से आज देख लो कोई कुछ नहीं है। चाहे जैसा रोड है, आज रोड बनाई गई ऊपर,
पूरा डामर उसके ऊपर एंगल लॉक है उनके ऊपर बना दिया गया। आज रोड तोड़ने के लिए कितना खुदाई करना पड़ता है, टूट जाता है दोबारा बन नहीं पाती है। इतनी गंदी स्थिति है हमारे यमुना की, आज देख लो आज बाढ़ थोड़ा पानी आया हुआ है तो थोड़ा सफाई दिख रही है, वरना आज भी अनेकों नाले यमुना में गिर रहे हैं। तो इन सब के लिए मैं तो विपक्षी में हूँ तो आवाज़ ही उठा सकता हूँ, लेकिन मैं विरोध नहीं करूँगा, मैं तो सपोर्ट करूँगा, मैं तो नज़र कराऊँगा जैसे अखिलेश यादव जी विधानसभा में बैठ करके योगी जी से टेक्निकली बात करते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं, दिखाते हैं, ये बात बताते हैं, वजह बताते हैं, रीज़न बताते हैं और सॉल्यूशन बताते हैं। तो मैं भी ऐसे ही काम करूँगा, ये नहीं कि कहीं किसी का ट्रांसफ़र कर दो, किसी का वो कर दो। ये राजनीति नहीं करनी चाहिए, जातिवाद ना होना चाहिए। ये नहीं वो फलानी पार्टी में उसे सपोर्ट किया तो उसका मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। ये राजनीति मथुरा में हो रही है, मैं कहता हूँ इतनी गंदी राजनीति ना करें, मथुरा के बारे में सोचें। ये मथुरा स्वर्ग है, कृष्ण भगवान की नगरी है, आप इसको बनाओ। वृंदावन को आज देख लो इतनी पब्लिक है, कोई भी एक आदमी यहाँ पर आके मथुरा में कोई मंदिर बनाने की नहीं सोच रहा है। क्यों? कोई सोचवा नहीं रहा है, कोई जगवा नहीं रहा है, कोई आवेदन करने निमंत्रण करने देने नहीं जा रहा है। इसलिए मैं नेताओं से निवेदन करता हूँ, जागो और मथुरा के लिए कुछ करो। हमने आज जाना योगेश जी से, इनको क्या पदभार मिला और इनके आगे की विचार क्या है, इनकी प्लानिंग क्या है, कोई आगे किस तरह से अपने आप को देख रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। मथुरा एक धर्म नगरी है, उनको सांस्कृतिक प्रकोष्ठ संभालने के लिए दिया गया है, उसमें अपना कितना बेहतर दे पाते हैं, ये इनसे जाना और इनके लिए आगे हम इनसे मुलाकात करते रहेंगे। TV10 न्यूज़ के लिए मैं विकास पाटिल।